मुर्दा लोग हैं, हमारे मरे हुए लोग हैं, इनमें जान है नहीं, इनको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये 9 अक्टूबर को हमने जिंदा और मरे हुए लोगों को बुलाया है। जिंदा मरे हुए लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं, एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग नहीं, कोई जागा हुआ नहीं है, सब अभिमानी हैं, घमंडी हैं, जातिवादी हैं, व्यक्तिवादी हैं, संगठनवादी हैं। तो आज ये 4-52 देश पर कब्जा नहीं कर लेते, 2-3% लोग पूरे देश पर कब्जा किए हैं और ये एससी ओबीसी वाले विद्वान बने घूम रहे हैं, ये तो लानत है इन पर। मैं जिसको बौद्ध बना देता हूँ अगली बार वो कावड़ लेके चला जाता है। मैं जिसको मैं बौद्ध बना देता हूँ, भाई हिंदूवाद ब्राह्मणवाद इतना हावी भारत में है कि जिनको हमने दीक्षा दी अगले साल वो कावड़ लेके चला जाता है। मैं फोन करता हूँ, भाई हाँ भाई श्यामलाल कांवड़ लेके गए, अरे कि पत्नी नहीं मार रही थी, लड़के को बुखार आ रहा था। ये ऐसे ही गुलामी करेंगे, आज ये नौकरी से वंचित हो रहे हैं, कल ये घर से वंचित हो जाएंगे, भोजन से वंचित हो जाएंगे, और जहाँ से बाबा साहब उठा के इन्हें लाए, पीछे झाड़ू आगे मटकी, ये वहीं जाने वाले पक्का है। भाई इससे बड़ा और क्या प्रमाण पत्र दूं कि 3% लोग पूरे देश पे कब्जा किए हैं और 85% लोग ढपली पीट रहे हैं। कोई रास्ता नहीं, अम्बेडकरवादी ये नहीं, बुद्धिस्ट ये नहीं है, ज्योतिराव फुले को ये नहीं मानते, ये जयंती मना लेते हैं फिर कावड़ लेने चले जाते हैं। लोहियावादी भी नहीं, लोहियावादी परिवारवादी लोग हैं यहाँ, जो देवी देवताओं की गुलामी करता हो, कभी एससी ओबीसी की आवाज ना उठाता हो, इतना कमजोर राष्ट्रपति जिसने अपने गांव में बिजली न करा पाई हो, ये कमजोर आदमी ढूंढते हैं। 5 साल बाद आपको पता चल जाएगा कि कुछ देश कोविंद जी बिकवा गए हैं, अब कुछ देश मुर्मू जी बिकवा देंगी, कहा ये तो गाय गोबर बनाते हैं, ये कहाँ बनाते हैं, हाँ गौशाला बनवाते हैं, गाय की बर्फी एक अभी आई, गोबर की बर्फी, अभी एक आदमी ने गोबर की बर्फी बनाई है, इन्होंने मंदिर जरूर बनाया है, और उस मंदिर का जो एटीएम है वो ब्राह्मणों के हाथ में, सारे लोग उसमें पैसा डालेंगे, एटीएम ब्राह्मणों के हाथ में, उससे पैसे निकाल करके मजे करेगा। हाँ एटीएम मशीन है भाई, मंदिर किसी भी हिंदू मंदिर में चले जाइए, वो ब्राह्मणों का एटीएम मशीन है और उसका पिन ब्राह्मण ही जानता है, सारे लोग पैसे डाल सकते हैं।